ओम नमो नारायण। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जब भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया था और उन्हें एक घोड़े का सर लगाना पड़ा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए ये कथा आपको सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में एक धनुष की डोरी के सहारे काफी गहरी नींद में सो गए थे। उसी समय स्वर्गलोक में हैग्रीव नामक दैत्य ने अपनी सेना सहित खूब आतंक मचा रखा था। देवताओं के उससे लड़ने के सभी प्रयास विफल साबित हो रहे थे। तब सभी अपनी समस्याएं लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि किसी तरह से उन्हें हैग्रीव के आतंक से बचा लिया जाए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को श्रीहरि विष्णु की शरण में जाने को कहा। ये सुनकर सभी देवता वैकुंठ लोक पहुंचे, पर वहां जाकर उन्होंने देखा कि नारायण तो बड़ी गहरी नींद में लीन है। तो सभी परेशान हो गए और फिर से ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे बताया कि हम सब वैकुंठ लोक गए थे भगवान विष्णु से मदद मांगने, लेकिन वो तो बड़ी गहरी निद्रा में लीन है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाने के लिए वमरी नामक कीड़े को भेजा। उस कीड़े ने जाकर उस धनुष की डोर को काट दिया जिसके सहारे नारायण सो रहे थे। वो धनुष की डोर भगवान विष्णु के शीश के पास से गुजर रही थी और कीड़े के डोर काटते ही उस डोर से भगवान विष्णु का शीश कटकर धड़ से अलग हो गया। भगवान विष्णु का शीश कटते ही समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवता परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को देवी भगवती की स्तुति करने के लिए कहा। देवताओं की आराधना से मां भगवती प्रसन्न हुई और देवताओं को दर्शन देकर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ दैत्य हैग्रीव के वध के लिए हुआ है। मां भगवती ने सभी देवताओं से कहा कि अश्वमुखी हैग्रीव ने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है कि उसे कोई अश्वमुखी मनुष्य ही मार सकता है, इसलिए श्री हरि विष्णु को तो ये रूप लेना ही था। ये सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए और उसके बाद नारायण को घोड़े का सर लगाया गया और फिर उस रूप में उन्होंने दैत्य हैग्रीव का संहार किया और इसके बाद देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। बस जरूरत है कि हम भगवान के हर निर्णय पर आंखें मूंद कर विश्वास करें। भगवान कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओम नमो नारायण।